तो बीजी तरफ गुजरात कોંગ્રેસની સ્ક્રીનિંગ કમિટીની બેઠક જેમાં જીતી શકે તેવા ઉમેદવારો પર મંથન કરવામાં આવ્યું 26 ઉમેદવારોના નામની ચર્ચા પણ થઈ હજુ 1 થી 2 બેઠક બાદ ઉમેદવારોના નામ પર અંતિમ મહોર લાગશે 12 માર્ચે અમદાવાદની બેઠક બાદ દિલ્હીમાં ચૂંટણી સમિતિની બેઠક થશે કેન્દ્રીય ચૂંટણી સમિતિ અંતિમ નિર્ણય લેશે 26 માંથી 22 નામો પર કોઈ મતભેદ નહીં હોવાનું જાણવા મળી રહ્યું છે પરંતુ 4 સીટો પર एक थी वधारे उम्मीदवारों मेळवा मांगे छे टिकिट ते कांग्रेस मां चिंतानो विषय बनी शके छे आम पण कांग्रेस मां आंतरिक जूथबंदी चरम पर छे तेवामां हवे आ चार जे बैठको छे तेमां नाराजगी वधी शके तेवा एंधाण पण वर्ताई रह्या छे केन्द्रीय चूंटणी समिति जो के अंतिम निर्णय लेशे 26 मांथी 22 नामों पर कोई मतभेद नथी थया स्क्रीनिंग कमिटीनी बैठक पर उम्मीदवारोना नाम पर चर्चा कराई संवाददाता रजनीश रंजन जोड़ाई गया है रजनीश गुजरात कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमिटी की जो मीटिंग आज हुई उसको लेकर क्या वहां पर चहल पहल दिखी और कौन कौन से उम्मीदवारों पर आज चर्चा की गई वहां पर देखिए स्क्रीनिंग कमेटी की आज पहली बैठक थी और सभी 26 नामों पर चर्चा हुई सभी 26 नामों पर विचार हुआ और कांग्रेस पार्टी के गुजरात कांग्रेस से ताल्लुक रखने वाले एक सीनियर नेता ने ये बताया है कि 22 नाम ऐसे हैं जिस पर किसी तरह का कोई मतभेद नहीं है उन 22 सीटों पर एक एक कैंडिडेट के नाम सामने आए हैं और लगभग लगभग वही नाम तय हो जाएंगे लेकिन चार ऐसी सीटें हैं जहां पर एक से ज्यादा कैंडिडेट है यानी कि एक पाटन ऐसी सीट है जहां पर दो उम्मीदवार हैं जगदेश ठाकुर और अल्पेश ठाकुर दोनों ही चुनाव लड़ना चाहते हैं तीन और ऐसी सीटें हैं जहां पर दो से ज्यादा उम्मीदवार हैं तो उन सीटों पर कुछ मतभेद है और चूंकि स्क्रीनिंग कमेटी की पहली बैठक थी कांग्रेस पार्टी को लगता है कि इस तरह की एक या दो और स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होगी और उसमें सभी नामों पर सहमति बन जाएगी और जो फाइनल ड्राफ्ट तैयार होगा सभी 26 सीटों पर 26 नामों का उसे 12 मार्च के बाद यानी कि सीडब्ल्यूसी की बैठक जो अहमदाबाद में 12 मार्च को होने वाली है उस बैठक के तुरंत बाद दिल्ली में केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी राहुल गांधी की अध्यक्षता में सीईसी के तमाम मेंबर्स वहां पर मौजूद होंगे और वहां पर उन 26 नामों को जो स्क्रीनिंग कमेटी से फाइनल करके सीईसी के पास भेजा जाएगा उस पर फाइनल अप्रूवल होगा तो अभी ये कहना है कांग्रेस पार्टी के लोगों का कि जिन तीन चार सीटों पर सहमति नहीं है जहां पर एक से ज्यादा उम्मीदवार हैं वहां पर बातचीत की जा रही है सहमति बनाने का प्रयास किया जा रहा है और जब प्रयास सफल हो जाएगा तो वो लिस्ट जो है वो कांग्रेस इलेक्शन कमेटी के पास भेजा जाएगा ये भी बताया गया है कि जो लोग इस वक्त कांग्रेस पार्टी सिर्फ अपने उम्मीदवारों अपने लीडर अपने कार्यकर्ताओं के नामों पर ही कंसीडर कर रहे हैं उनके नाम पर ही विचार कर रहे हैं लेकिन अगर बाहर से कोई व्यक्ति कांग्रेस पार्टी में आना चाहता है सीधे सीधे हार्दिक पटेल हो या जिग्नेश मेवानी हो या छोटू वसावा को लेकर जो बातें हो रही थी अगर वो कांग्रेस पार्टी में आना चाहते हैं या अपनी ओर से कोई प्रस्ताव देना चाहते हैं चुनाव लड़ने के लिए तो ये कॉल नेशनल लीडरशिप लेगी यानी कि राष्ट्रीय नेतृत्व इस पर फैसला करेगा कि उन्हें पार्टी से चुनाव लड़ाना है या अगर वो अकेले इंडिपेंडेंट हैसियत से चुनाव लड़ते हैं तो पार्टी उन्हें समर्थन करेगी या नहीं करेगी लेकिन इस वक्त कांग्रेस पार्टी सभी 26 सीटों पर अपने उम्मीदवारों की जो चयन प्रक्रिया है उसमें लगभग लगभग बहुत आगे पहुंच गई है और 12 मार्च के बाद जब भी दिल्ली में केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी उसमें नामों को अंतिम रूप दिया जाएगा और ऐसा माना जाता है कि इसी महीने मार्च के महीने में ही बल्कि 15-20 मार्च के आसपास में ही गुजरात कांग्रेस के सभी 26 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कांग्रेस पार्टी कर देगी।